आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा क्लास पे। देखिए, आपको मेडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत यानी कि मध्ययुगीन भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण झलक बिंदुओं के साथ, झलक के साथ आपको कराया जा रहा है। जैसे आपका कोई भी चैप्टर फिनिश होता है, आपको उसके एमसीक्यू भी कराए जाते हैं। वो एमसीक्यू हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आपको आइडिया भी लग जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको पता भी चल जाए कि आप क्या पढ़ाया गया है। कंटेंट का रिव्यू होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आप हमारे कंटेंट का लाभ उठाइए। हमारे जितनी भी क्लासेस हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आगे भी वो रहेंगी, तो इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे देखिए, अब आपकी वैकेंसी आ गई है। LIC EEO का बैच चलने जा रहा है, LIC EEO, LIC ADO, साथ ही साथ SSC MTS वाले तैयार रहें। SSC CHSL का आपका चल ही रहा है, और आने वाले टाइम में आप वहाँ कंप्यूटर क्लास आपको मिल रही हैं। ये कंप्यूटर आपका कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये बता दूँ कि आने वाले अपकमिंग टाइम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास इंग्लिश के फाउंडेशन बैच की आने वाली है। चलिए, तो एक बार सभी से गुजारिश है कि वीडियोस को ज़रूर देखें। बीच में आपको पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, ताकि आपको ये बीच में अगर आप देखते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए, वो आपको पिन भी कर दिए जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलेगी। तो देखिए, हमने आपको दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था, मध्ययुगीन भारत में कासिम से स्टार्ट हुआ था, गजनवी के पहुँचे, गौरी पहुँचे, तराइन का युद्ध होता है, उसके बाद भारतीय समय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होने लगती है, फिर गुलाम वंश आता है, फिर गुलाम वंश धीरे धीरे चलते उसमें और वंश आते हैं, फिर आपके खिलजी वंश आता है जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने दुआब आपका जो बाजार नियंत्रण प्रणाली और ये सब दीवाने को ही वगैरह की स्थापना करी। फिर तुगलक वंश आता है जो कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। उसी तुगलक वंश को हम पढ़ रहे थे, उसी तुगलक वंश में हम आगे देखते हैं। आपके मोहम्मद बिन तुगलक हमने आपको बता दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक 1320 से 1414 का काल रहा था इनका। मोहम्मद बिन तुगलक आपके हो गए थे तुगलक वंश, सबसे ज़्यादा समय शासन किया था। और अब आज आपके हैं फिरोज़ शाह तुगलक। तो देखिए, फिरोज़ शाह तुगलक जो हैं, फिरोज़ शाह का जब राज्यारोहण हो रहा था तो उसके खिलाफ कई सारे लोग थे। देखिए, फिरोज़ शाह का जो टाइम पीरियड है वो आपको बताते चलें। कई कई बार अब तो आपका टाइम पीरियड में फैक्ट में पूछ लिया जाता है या कई बार लगवाया जाता है। तो 1351 से 1388 तक का इनका टाइम पीरियड रहा था। तो देखिए, फिरोज के राज्यारोहण के खिलाफ दिल्ली में ख्वाजा जहां अहमद अयाज ने विद्रोह किया, उसने एक 6 वर्षीय बालक को मोहम्मद तुगलक का पुत्र घोषित कर शमसुद्दीन मोहम्मद के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। शीघ्र ही ख्वाजा जहाँ का वध कर दिया गया और अगस्त 1351 में फिरोज ने दिल्ली में पुनः राज्याभिषेक कराया। प्रजा को संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिए गए तकाबी ऋण यानी सौंदर 1 करोड़ टंका माफ़ कर दिए और ऋण पंजिकाओं को समाप्त कर दिया था। फिर देखिए, फुतुहते फिरोज शाही में फिरोज तुगलक इन्होंने बुक लिखी थी, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो, पूछी भी जाती है कि फुतुहते फिरोज शाही किसने लिखी। फिरोज तुगलक ने कहा कि ईश्वर ने मेरे हृदय में शांति प्रदान की है और उसकी कृपा की कृतज्ञता स्वरूप मैंने निश्चय किया कि बिना उचित कारण के मुस्लिम रक्त नहीं बहाया जाएगा। देखिए, अब इस्लाम को इन्होंने चरम पर रखा था। यहाँ पर फिरोज शाह ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल चार टाइप के जो कर थे जो इस्लाम में स्वीकृत होते थे, खिराज, ये टैक्स आपसे पूछा जाता है, खिराज, खुमस, जजिया, जकात की वसूली की, और 24 अन्य जो कर थे उनको समाप्त कर दिया। सिर्फ चार टाइप के आपके टैक्स जो बचे थे वो ये लगाने वाले कौन थे, इनमें नाम है आपका खराज, ठीक है, खराज, कई कई बार आपसे खुमस भी पूछा जाता है, खुमस, जजिया को इन्होंने ब्राह्मणों पे लगाया था। सबसे बड़ी बात यह है, इतिहास में जो अब तक नॉन मुस्लिमों को देता होता था, ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, खुमस और जकात। फिरोज शाह ने उलेमा की स्वीकृति के बाद हर के सर्वनामिक सिंचाई कर भी लगा दिया था, इम्पॉर्टेंट है, हर के सर पूछा जाता है।
सिंचाई कर वसूलने वाला फिरोज सल्तनत का पहला सुल्तान था, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसान जो शाही नहरों के पानी का प्रयोग करते थे, उन्हें अपनी उपज का 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में देना पड़ता था, वेरी इंपॉर्टेंट, जब मेंस लिखेंगे तब बहुत काम आएगा। साथ ही साथ मेंस में देखिए होता क्या है, अगर आपका मेंस अगर तैयार है तो प्रीलिम्स आपका जो GS के 4 पेपर होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मैं PCS की बात कर रहा हूँ, आपका जो उत्तर प्रदेश PCS है या BPSC देने जा रहे हैं उसके लिए, बाकी जो अभी आपके हैं उसमें आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, लेकिन अब अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए तैयार रहिए। फिरोज ने देखिए जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जागीरदारी को पुनः प्रारंभ करने वाला फिरोज शाह तुगलक। इतलाक प्रथा की शुरुआत भी फिरोज तुगलक ने करी थी। इतलाक एक तरह की हंडी थी जिससे जिसकी जिस जिसने कि तुगलक सहायता से सैनिकों का अपना वेतन प्राप्त करते थे। तुगलक जो है सैनिकों का वेतन देते थे। उस समय खराज यानी लगान का जो उपज था 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। फिरोज शाह ने 1200 फलों के बाग लगवाए और सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरें निकलवाई। तो नहरों का अगर रेवोल्यूशन आएगा तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा। तुगलक ने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले किया था। फिरोज शाह की नहर प्रणाली के बारे में तारीख़ मुबारकशाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी में विस्तृत वर्णन है। फिरोज ने शोहरत आम यानी सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग की स्थापना की, पूछा जा सकता है, जिसका प्रमुख वास्तुकार थे मलिक गाजी सहना। फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने एक नहर सिरमौर से लेकर हांसी तक यमुना से खुदवाई थी। यह उसके समय में खुदने वाली दूसरी नहर थी। पहली नहर जो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में पहली नहर कौन सी खुदवाई गई, तो सतलज नदी से लेकर झज्जर यानी रोहतक तक। तीसरी देखिए घग्गर से सिरसा तक। चौथी यमुना से फिरोजाबाद, इम्पॉर्टेंट है। पांचवी मारकंडा ये से सरस्वती नदी तक निकाली गई है, ये इम्पॉर्टेंट है पूरा आपका फैक्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहरों से फिरोज की व्यक्तिगत आय लगभग 2 लाख टन का थी, वार्षिक थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों पर 50 बांध और 30 झीलों व जल संग्रह के लिए अनेकों तालाबों का निर्माण कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है फिरोज शाह ने लगभग 300 नगरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह द्वारा बसाए गए नगरों में से दिल्ली के निकट इमादी के फिरोजाबाद देखिए इन्हीं ने बसाया था जो अब नष्ट हो चुका है। फतेहाबाद था जो फिरोजाबाद है, ठीक है, फतेहाबाद अब नष्ट हो चुका है, फिरोजाबाद है। हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर प्रमुख है। फिरोजपुर को आखिरीनपुर यानी अंतिम नगर भी कहा जाता था। अब देखिए तैमूरलंग ने आक्रमण किया था दिल्ली पे। समरकंद निवासी तैमूरलंग के आक्रमण से तुगलक साम्राज्य धराशायी हो गया। महमूद शाह दिल्ली से पलायन कर गुजरात भाग गए थे। भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिजर खां से कहा कि मैंने दिल्ली तथा अन्य सभी क्षेत्र मुल्तान लाहौर दीपाल पर विजित जो विजित किए हैं वो तुम्हें प्रदान करता हूँ। देखिए खिजर खां को दे दिए थे उन्होंने। तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। 15 दिन तक दिल्ली में लूटपाट करने के बाद मेरठ हरिद्वार कांगड़ा आदि को लूटते हुए समरकंद चला गया। सुल्तान महमूद 1412 तक दिल्ली का एक नाम मात्र का सुल्तान था। 1413 में इसकी हत्या कैथोल में मृत्यु हो गई थी। 1413 में खिजर खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1414 में दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना इन्होंने कर दी थी। तो इन्होंने देखिए सैयद वंश आ गया था आपका, जो क्रम शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक, जिनको आपके बारे में बताया गया। देखिए कृषि की उन्नति गयासुद्दीन तुगलक पहला दक्षिण राज्यों के समय दिल्ली सल्तनत महमूद मोहम्मद तुगलक थे। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आइए उनको देखते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने देखिए नगर बसाए थे, नगर बसाए वो कौन कौन थे, फिरोजाबाद जो अब है, पहले फिर फतेहाबाद था, फिरोजपुर इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हिसार है, जौनपुर है, जौनपुर है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट नगर हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो बहुत इम्पोर्टेंट काम जो आपका इतिहास बन गया है, तो उस कर की हम बात करते हैं। देखिए इन्होंने खिराज, खुमस,
सिराज खुमस, ये दो टैक्स बहुत इम्पोर्टेंट थे जो लगाए वसूल करे थे इन्होंने। सिंचाई कर इन्होंने हर कसर लगा दिया था। सिंचाई कर अब आपका कौन था, अब आपका कौन सा इन्होंने जो किया था, देखिए जजिया कर का आज आपको इतिहास बताते। जजिया कर, देखिए जजिया कर सबसे पहले अगर लगाया था तो अगर आपसे पूछा जाता, सबसे पहले देखिए लगाया था कासिम ने, लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में। उसके बाद क्या होता है, फिर जजिया कर को जो है आपके इल्तुतमिश ने इसको कुछ दिन में एंड कर दिया था। इल्तुतमिश ने इसको कुछ दिन बंद रखा। फिर क्या हुआ, फिर बलबन ने इसको स्टार्ट कर दिया, पुनः लगा दिया, पुनः लगाया। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक जी ने क्या किया, ब्राह्मणों पर प्रथम बार इसका टैक्स को लगाया था। ब्राह्मणों पर प्रथम बार फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह ने एक रोजगार दफ्तर भी स्थापित किया था, आपको बताते चलें। एक रोजगार दफ्तर, ठीक है, दारुल सफा इन्होंने स्थापित किया था, जिसे सिफा खाना बोला जाता था। दारुल सिफा, दारुल सफा, दारुल सफा, जहाँ मुफ्त चिकित्सा यूनानी पद्धति से होती थी, चिकित्सा का चिकित्सा होती थी यहाँ मुफ्त, दारुल सफा। दीवाने खैरात देखिए इन्होंने स्थापित करी थी, दीवाने खैरात की स्थापना इन्होंने करी थी, जहां विधवाओं और अन्य मुस्लिम लोगों को सहायता दी जाती थी। दीवाने इस्तिकहाक इम्पोर्टेंट है, दीवाने इस्तिहाक इन्होंने स्थापित किया था। पेंशन विभाग था ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है पेंशन विभाग। ये कितने सारे उन्होंने चेंजेस किए थे। दीवाने बंदागान इन्होंने स्थापित किया था, दासों के लिए था। दीवान ए बंदगान स्थापित इन्होंने किया था, दासों के लिए था, इम्पोर्टेंट है। व्यावसायिक शिक्षा नीति इन्होंने लागू करी थी, व्यावसायिक शिक्षा नीति इन्होंने लागू करी थी। देखिए उलेमा को राज शासन में प्रधानता इन्होंने ही दी थी, सबसे पहले ऐसे सुल्तान थे ये, उलेमा को कानूनी, उलेमा को इन्होंने, उलेमा को इन्होंने प्रधानता दी थी, उलेमा को, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का पहली बार आदेश इन्होंने ही दिया था। तीन फुतह, इनकी एक फुतहात में है, इन्होंने फुतुते फिरोजशाही लिखी है। पहला ऐसे सुल्तान थे, एकमात्र एकमात्र सुल्तान जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, एकमात्र ऐसे सुल्तान जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, अपनी पुस्तक लिखी। क्या नाम था उसका, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, क्या है, फुत हाते फिरोज शाही, उतोते फिरोज शाही, बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीताल चलाया था चांदी का, चांदी का जीताल चलाया इन्होंने। तांबे का भी इन्होंने यूज़ किया था, मदरसा है फिरोज शाही को इन्होंने किया था, ठीक है। और बंगाल पर पुनः आक्रमण कर किया था किसने, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने। कांगड़ा अभियान इन्होंने भी किया था, ठीक है। 300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी इन्होंने कराया था,
300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में अनुवाद, तो इन्होंने इतने सारे काम किए थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, ठीक है। और आफ्टर फिरोज तुगलक के बाद क्या हुआ तुगलक वंश का, वो सारा इसमें रहेगा। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए धन्यवाद।